तो गाइस हम लोग मंदिर आ चुके हैं। क्या बन रहा है? ये धूप बना रही हूँ मैं, धूप बन गई। धूप आती, चलो चलो चलो। आप अभी तक कुछ सीखे नहीं माचिस जलाने भी, बताओ भैया आपने क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए? अब सीख रहा है, सीख रहा है। जल गई जल गई जल गई भाभी ने, जल गई। कुछ सीख रहा वाले को सीख गया। टमेटो, ग्रीन चिली एंड ये भी जो हमने पाउडर बनाया है मूंगफली के दानों का, ये वो है। और ये भी हमें थोड़ा कम पीसा है इसे। यहाँ दही है, तो अब देखते हैं आगे आगे हम बना रहे हैं क्या। तो मम्मी जी लगा रही हैं भैया जी को डांट। वाह मम्मी जी मजा आ गया। तो और डांटिए, शिवरात्रि थी, खाना बनाया था, आती होगी। हम शाम को ये देखते हैं गाइस। मैंने सारा काम रेडी कर लिया था, लेकिन अब जनाब की फरमाइश आई है। वैसे तो व्रत रखा नहीं है, लेकिन वहां से ऑर्डर कर रहे हैं हमारे लिए कि मुझे खानी है कूटू के आटे की पकौड़ी। और अभी कूटू के आटे को हमने लगा के रख लिया है पूड़ी के लिए, तो वो हो गया थोड़ा सा बचा खत्म। तो मम्मी जी गई मार्केट, बट उन्हें वहां मिला नहीं, इसलिए अब ये हमारे पास मींग रखी हुई थी सिंगाड़े की। तो हमने सोचा है कि मैं इसको यूज करके आज उनकी फरमाइश पूरी करूंगी और उनके लिए बनाऊंगी पकौड़ी। तो अब मेरे पास कूटने के लिए इमाम दस्ता नहीं है, तो मैं सिलपटने का यूज़ करूँगी। तो इसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे फास्ट में। बच गई अभी मूली कुचल जाती। तो गाइस ये मैंने इसे कूट लिया, कूटने के बाद इसको ये हाल कर दिया मैंने, कूट कूट के बेचारे को मार डाला। अब मैं इसको इसके अंदर डालने जा रही हूँ और मैं इसको चूरन बनाऊंगी। जैसे गब्बर, जैसे गब्बर वाली जो होती है ना वो, मम्मी जी कौन सी मूवी थी वो गब्बर, उसने हाँ शोले मूवी में बनाया था ना, ऐसे मैं बनाऊंगी इसका। आपने मम्मी जी कितनी बार देखी होगी शोले मूवी? एक बार भी नहीं। इतनी फेमस मूवी आपने क्यों नहीं देखी? तो गाइस देखिए हमने ये आटा पीसा, हमने मिक्सी का भी नुकसान कर लिया। मम्मी जी दिखाइए जरा क्या किया मैंने। ये थोड़ी सी इसमें ना यहाँ से चटक गई है, ये चटक गई है यार, थोड़ा सा चटक गया इसमें ना, तेज लगा हुआ जैसे ये सिंगाड़ी की मींग थी ना, हाँ बहुत टाइट होती ये है, ये फरमाइश का नुकसान है। वैसे आटा देखो बिल्कुल बारीक हो गया, बिल्कुल अच्छा मार्केट जैसा अपने घर में। अब इसके बनने जा रही है पकौड़ियाँ यमी। तो गाइस बच चुकी है मेरा पूड़ी का आटा और ये हमारी सब्जी रेडी है। ये हमने पकौड़ियों के लिए इंतजाम किया है और ये हम बना रहे हैं साबूदाने की टिक्की। तो अब हम रेडी हैं इसको डीप फ्राई करने के लिए। ये बात में सॉरी आ जाएंगे,
देखो गाइस, अब हमने पकौड़ी सेकना है, हम पकौड़ी सेक रहे हैं और इसमें हमने चटनी का काम रेडी कर दिया है। इसमें धनिया डाला है, 2 चम्मच घी नहीं मतलब दही डाली है इसमें, नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है, मूंगफली डाली है। तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, मिक्सी में ग्राइंड करने जा रहे हैं। एंड इधर है ये हमारा, ये बन रहा है, ये सिक रही है पूड़ी, ये बेल कर रखी हुई है पूड़ी। और अभी मम्मी जी लगा रही हैं भगवान जी के दूध का सामान और ये मैं पूड़ी सेक रही हूँ। तो गाइस, ये हमारे भगवान जी का भोजन थाल रेडी हो चुका है, बस इसमें कमी है सिर्फ पानी की। तो वो अभी हम ले रहे हैं जल, और उसके बाद हम लोग चलते हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो ये रेडी है भगवान जी की प्लेट, अब हम चलते हैं भोग लगाने के लिए। मान जाना। तो ये है प्रभु श्री शिव शंकर महादेव महागौरी मैया, आप सभी देवी देवताओं के चरणों में विभोग अर्पण है। प्रभु आप ही का आपके चरणों में अर्पण से स्वीकार करें, स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सबसे पहले हमारे गौरी जी को और शिव जी को भोग लगाएंगे। जय श्री शंभु भोलेनाथ महाराज, जय पार्वती महारानी, जय हो। मुझे आपके चरणों में अर्पण है प्रभु, या आपके चरणों में जल अर्पण है, जल का भोग लगाए। राधे गोविंद, आपके भोग लगाइए आकर। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी, जय श्री। मम्मी जी कैसा बना है? कोई बात नहीं, मिल बांट गई तो खा रहे हम।